पूर्णिया लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि पूर्णिया का बेटा ही इस बार चुनाव जीतेगा। लेकिन देखिए, कल एक चौंकाने वाली खबर जब सामने आई कि पुलिस का एक बल गुट जो है वो पप्पू यादव के कार्यालय पर, यानी पूर्णिया में जो उनका आवास है, जहाँ पर उनका कार्यालय है, वहाँ पर छापेमारी करने पहुँची है। पप्पू यादव उस समय क्षेत्र भ्रमण में थे, अचानक वो पहुँचते हैं भागे भागे कि आखिर क्या मसला हुआ भाई, पुलिस की छापेमारी क्यों हुई। जो बातें सामने निकल कर आई हैं वो यही है कि पप्पू यादव के आवास पर गाड़ियों को सजाया जा रहा था और SDPO पुष्कर कुमार जो हैं वो अपने पूरे दलबल के साथ वहाँ पहुँच गए। उनको सूचना मिली कि बिना परमिशन के गाड़ियों को सजाया जा रहा है। अब आप ही बताइए कि ये कौन सा बड़ा मामला है। पप्पू यादव भड़क गए। पप्पू यादव कहने लगे कि भाई, जब से वो कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, उन्हें जबकि केंद्र सरकार की तरफ से वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, बावजूद इसके जिस दिन से वो कांग्रेस ज्वाइन किए हैं उस दिन से उनकी वाई श्रेणी की सुरक्षा हटा ली गई। मतलब कागजों पर है लेकिन ज़मीन पर नहीं है। उनके साथ दो तीन सिपाही जो होते हैं, जो 1970 के दशक के राइफल लेकर घूमते हैं, वैसे ही सिपाही जो हैं वो पप्पू यादव के साथ घूमते हुए आपको पूर्णिया में दिखेंगे। पप्पू यादव के जान को खतरा है, ये बात खुद पप्पू यादव कल कह रहे थे। पहले जरा सा आपको वो पूरा दृश्य हम दिखाते हैं और उसके बाद पप्पू यादव का जो बयान है वो भी आपको हम सुनाएंगे कि पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। अब देखिए, पूर्णिया के जो सदर SDPO हैं पुष्कर कुमार, उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बिना परमिशन की प्रचार गाड़ी सजाई जा रही है, इसकी जाँच कराने आए थे, जाँच की जा रही है कि गाड़ी का परमिशन है या नहीं है। अब देखिए, इसके बाद पप्पू यादव ने पत्रकारों से कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत ये कार्रवाई हो रही है। पूरी जो बात है पप्पू यादव का वो आपको हम सुनवा देते हैं। देखिए किस तरीके से पप्पू यादव क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, सुनिए। कोई भी चीज के नियम कानून है ना, SDO ऑफिस के बदलिए लेते नहीं नहीं घर में लगा रहे थे, परमिशन के लिए नहीं, गुड फेथ एक प्रेस है, वहाँ प्रेस में ब्रांडिंग हो रही थी, वहीं पे आपके कलेक्ट्रेट के सामने ही वो प्रेस है। अच्छा जी जी, तो वहीं ना हॉर्न खुलेगी, वहीं ना ब्रांडिंग होगी, अपने यहाँ प्रेस नहीं, वहीं पर खुलना है। अच्छा, अब वहीं पर उसकी ब्रांडिंग होनी है। अब बज रही नहीं थी। अच्छा, वही खुला बिल्कुल। कौन प्रेस है? गुड फेथ है वही। वहीं पर लगाता है, और सबकी हो रही है, ऐसा नहीं है कि केवल हम ही लोगों की हो रही है, तो सब गाड़ी सबकी हो रही है। तो पप्पू यादव को परेशान किया जा रहा है, इस हद तक परेशान किया जा रहा है। पहले उनको चुनाव कैसे वो ना लड़े, इसके लिए पूरा जो RJD है, पूरा जो महागठबंधन है, वो प्रयास करके देख लिया। अब जबकि वो डटे हुए हैं मैदान में, नामांकन हो चुका है, बड़ा जनसमर्थन उनको मिल रहा है, तो BJP और JDU जो है वो बौखलाई हुई है, पप्पू यादव कह रहे हैं। देखिए आगे उन्होंने अपने ट्विटर पर भी लिखा है, उन्होंने लिखा है कि कितना नीचे गिरेगी सरकार पूर्णिया के बेटे को और कितना परेशान करेगी, जनता जवाब देगी। BJP JDU की सरकार का हार का डर अच्छा लगा, मुझे वाई श्रेणी की सुरक्षा देने के लिए इनके पास पुलिस बल नहीं है, छापा मारने सैकड़ों पुलिस भेज दिया गया है। ये बड़ा आरोप जो है वो पप्पू यादव की तरफ से लगाया गया। देखिए पूर्णिया के रण में मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, एक तरफ महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी राजद कोटे से बीमा भारती हैं, JDU से संतोष कुशवाहा हैं जो कि NDA समर्थित प्रत्याशी हैं, और निर्दलीय मैदान में पप्पू यादव जो हैं वो उतर चुके हैं। पप्पू यादव का ये दावा है कि पूर्णिया वो जीतेंगे और इसके लिए एंडी चोटी का जोड़ भी लगा रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कल जिस तरीके का प्रकरण देर शाम हुआ उससे कई तरह के सवाल जो हैं वो जरूर उठने लगे हैं कि क्या सरकार सच में डर गई है, क्या लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ साथ BJP और JDU जो है वो भी ऐसा सोचती है कि पप्पू यादव अगर पूर्णिया जीतेंगे तो सीमांचल के नेता बन जाएंगे, कोसी के नेता बन जाएंगे। कई तरह के सवाल कल के प्रकरण के बाद उठने लगे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।